हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो दो मार्क्स में पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15-20 क्वेश्चन है। ठीक है, और इतना क्वेश्चन है कि अगर बिहार बोर्ड इससे पेपर से एक भी क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा जितना हमने लिखा है। ठीक है, आज सब्जेक्टिव सीरीज का 7वां दिन है। ठीक है, इससे पहले पहला दिन से छठा दिन तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। तो चलिए आप लोगों के लिए कुछ लाइन है। लाइन क्या है, देखिए कि हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत को ऐसा रखे या ऐसी रखे कि हालात हार जाए। यानी ये लाइन हमने क्यों लिखा है कि अगर आप लोग शुरू में अगर मेहनत कम करते हैं तो अंत में एक समय आता है कि अब लगता है कि अब हिम्मत हार गए, हमसे ये अब होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप शुरू से ही मेहनत जो है लगातार करें, नियमित रूप से करें, जोरदार करें, ताकि अंत में ठीक है हालात हार जाए, हिम्मत नहीं। ठीक है, होता है कि जो शुरू में मेहनत कम करता है तो अंत में जाकर के क्या होता है कि निराश हो जाता है कि हमसे होने वाला नहीं है, वो हिम्मत हार जाता है। तो आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है, इसलिए क्या करेंगे, जोरदार मेहनत करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखने से पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे। भाई साहब हम लोग क्या पढ़ने वाले, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है बीच की दूरी। क्या आता है, बीच की दूरी। सबसे पहला फॉर्मूला आता है कि दो बिंदु दिया रहेगा आपको, ये P और Q, P का निशान x1, y1 और Q का निशान जो है x2, y2 है। ठीक है, तो कहेगा सबसे पहला फॉर्मूला कि PQ के बीच की दूरी जाती है, PQ के बीच की दूरी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है PQ के बीच की दूरी, अब थोड़ा स्पीड चलेंगे लेकिन अगर आप लोगों का फॉर्मूला याद है तो स्किप करके आगे बढ़िए। ठीक है, सवाल लगाइए। तो रूट अंडर क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, ये पहला फॉर्मूला होगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरा फॉर्मूला है आपको कि दो बिंदु दिया रहेगा, दो बिंदु दिया रहेगा, दो बिंदु ये आपको पी और क्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये बिंदु के साथ x1, y2 ये दिया हुआ है। अब कहेगा कि दोनों बिंदुओं को, ये बिंदु जो r है वो किस अनुपात में विभाजित करता है मेरे भाई। क्वेश्चन कहेगा p है ये q है, ये दोनों बिंदुओं को जो ये बिंदु r है वो किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ का जो निर्देशांक होता है x, y। और मान लेता है कि ये m अनुपात और n अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है m और n। तो इसमें x बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाएगा, सुनिए ध्यान से, mx2, ये mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। ये तो कहेगा एनसीईआरटी से भारतीय अंश m1 m2, कोई दिक्कत नहीं। आइए y बराबर लगाते हैं, y बराबर क्या जाएगा, वही m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n। अगर मान लीजिए ध्यान से, इसी में कहता है कि जो ये जो r जो है, r हो सकता है यहां भी, हो सकता है यहां भी, हो सकता है यहां भी, हो सकता है कि 2:1 में, हो सकता है 3:2 में, हो सकता है 1:3 में, लेकिन ये दोनों बिंदु के जो मध्य बिंदु होगा, एकदम बीच, एकदम मध्य बिंदु जो बीच होगा, तो जब बीच से निकालेंगे तो इधरों का दूरी बराबर हो जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला हमारा जो आता है, ये आपका क्या है, ये पी है और ये क्यू है, और इसका जो निर्देशांक है x1, y1, इसका x2, y2 है। सुनिए ध्यान से, तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु के निशान, दोनों का क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो मध्य बिंदु कब होगा मेरे भाई, जब देखिए यहाँ पर जो आर जो होगा वो क्या होगा, दोनों के बीच में, एकदम बीच में, दोनों के एकदम बीच में।
तो जितना एम है उतना ही एन, यानी एम है इसको हम एम लिख सकते हैं, दोनों को समान, दोनों को समान लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ एक्स कॉमा वाई डायरेक्ट हम लोग जानते हैं इसका मान जो होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y, लेकिन कैसे आया सो देख लेते हैं। हाँ तो भाई साहब यही फॉर्मूला चलाएंगे क्या, x बराबर m x2 प्लस n x1, देखिए x बराबर क्या है m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने m और n जब देखिए यहां से मध्य बिंदु मतलब बीच में है, तो जितना यहां से यहां की दूरी है उतना ही यहां से यहां की दूरी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें जो था इधर ज्यादा हो सकता है इधर कम, इधर ज्यादा इधर कम, लेकिन यहां दोनों बराबर है, तो भाई जितना है उतना ही n, तो लगाइए ना x बराबर m x2 आई हो n के जगह पे m x1 बटा m आई n के जगह पे m, दोनों में सेम कॉमन ले लेंगे, x बराबर दोनों में सेम कॉमन ले लीजिए क्या आ जाएगा x2 plus x1 बटा में m m 2m m से मर गया, x बराबर क्या हो जाएगा x2 plus x1 है ना भाई, तो x1 plus x2 लिख सकते बटा में 2, यही ना आप लोग याद किए हुए, तो y बराबर लिख लीजिए क्या y1 plus y2 बटा 2। तीसरा नंबर आता है केंद्रक का, क्या होता है क्या तीन हो गया, चार नंबर होता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के एक आप त्रिभुज बना ले, क्या बना ले एक त्रिभुज, ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी, तो ए का निशान एक्स वन कॉमा वाई वन, ये बी का निशान एक्स टू कॉमा वाई टू, सी का निशान एक्स थ्री कॉमा, इसका केंद्रक का निशान अगर पूछेगा आप लोगों से तो क्या कहिएगा सुनिए, ये केंद्र को मान लीजिए पी, क्या मान लीजिए इसका निशान एक्स को वाई मान लिया जाए, एक्स का जो मान होता है क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटा थ्री, इसका ही प्रूफ है, ठीक है, दूसरा बताएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा, वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटा थ्री, क्लास इलेवन में सबका प्रूफ देखिएगा, सेम यही सब चीज क्लास इलेवन में। उसके बाद है ये तो हो गया अंतर केंद्र निशान, ये सब केंद्र का निशान होगा, क्या होगा ये केंद्र का निर्देशांक फॉर्मूला, एक होता अंत केंद्र का निर्देशांक, इधर लिखते हैं कि पांच नंबर में अंत केंद्र का निर्देशांक, ठीक है, वो क्या होता है ध्यान दीजिएगा, देखिए कुछ नहीं ए के सामने वाला ये ए होता है स्मॉल ए, सी के सामने वाला स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी, ठीक है, तो x बराबर होगा a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बटा में a प्लस b प्लस c, ये होता है ये फॉर्मूला x का, y का लगा लेंगे आप लोग पक्का लगा लीजिएगा, तो इन्हें देखिए ना भाई का इन्हें देख रहे हूँ a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटा a प्लस b प्लस c। अब अंतिम फॉर्मूला ये आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या आता है ये त्रिभुज के तीनों बिंदु का निशान दिया रहेगा यही, ठीक है, और कहेगा कि आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो उसका फॉर्मूला जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है एक बटा दो इंटू शून्य, और लेंगे एक्स वन तो वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स वन आ गया अब आएगा एक्स टू, एक्स टू आ गया तो उसके बाद क्या होता है वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है, चलिए फॉर्मूला याद है सर आप लोगों को याद है, तो चलिए पढ़ा जाइए भाई साहब, सवाल है पहला कि बिंदु है इतना इतना के बीच दूरी क्या कीजिए, बीच की दूरी हमारे मालूम है ना, पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या हल करना है हल, चलिए मान लेते हैं कि देखिए ये है, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ए का जो निशान है कितना है माइनस पांच कॉमा सात, बी का निशान कितना है माइनस एक कॉमा तीन शून्य, तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे एक्स वन का मान क्या हो जाएगा माइनस पांच, एक्स टू का मान क्या हो जाएगा माइनस एक, y1 का मान 7, y2 का मान 3, सर कहां से लिख दिए, तो सुनिए
ये जो एक आयन सात का वितरण लिख रहे एक्स वन वाई वन, एक्स वन का मान माइनस पांच, वाई वन का मान सात, ये एक्स टू का मान माइनस एक और वाई टू का मान तीन। कोई दिक्कत लगाइए आप बीच के फॉर्मूला ए बी बराबर फॉर्मूला क्या बताया था पीछे रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का जब पूछे में तब बताना एक्स टू का मान माइनस एक, ई माइनस एक्स वन का मान माइनस पांच, यह माइनस का लेकर माइनस माइनस प्लस पा देते हैं, वाई टू का मान तीन माइनस वाई वन का मान सात। सॉल्व कीजिए माइनस एक और प्लस पांच, अरविंद जी माइनस एक और प्लस पांच कितना हो जाएगा, प्लस चार की माइनस चार प्लस चार क्या हो जाएगा प्लस तीन माइनस सात, कुंदन जी तीन माइनस सात माइनस चार की प्लस चार माइनस चार ठीक है, इसका स्क्वायर तो चार का स्क्वायर भी सोलह और माइनस चार का स्क्वायर भी तो सोलह सोलह बत्तीस, बत्तीस को तोड़ेंगे चार रूट दो, चार चौका सोलह, ये इसको हम इकाई में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं है आंसर ए बी की, यानी इसके बीच की दूरी कितना आ गया चार रूट दो इकाई बढ़ जाइए। अगला है बिंदुओं ए कॉस थीटा कॉमा जीरो और तथा जीरो कॉमा ए साइन थीटा के बीच की दूरी, वही बात है सेम क्वेश्चन, आइए देखेंगे हम। मान लेते हैं ये ए का ए बिंदु हो गया, ये आपका बी बिंदु हो गया, ए का निशान ए कॉस थीटा कॉमा जीरो, बी का निशान जीरो कॉमा ए साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया, अरे एक्स वन ई हो जाएगा आई वाई वन, लिखेंगे पहले एक्स वन बराबर ए कॉस थीटा, देखिए भाई दो नंबर का क्वेश्चन है तो हल और दिया हुआ लिखना पड़ेगा, पीछे जो लोग आया हमसे होमवर्क चेक कर लीजिए ठीक है। एक्स टू का मान तो नहीं बताइएगा मेरे भाई, एक्स टू का मान जीरो, वाई वन का मान बताइएगा मेरे भाई जीरो, वाई टू का मान बताइएगा भाई ए साइन थीटा, आइए अब ए बी के बीच में निकालिए, ए बी क्या होता है फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन का प्लस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन का और स्क्वायर, अब सर एक्स वन माइनस एक्स टू सकते हाँ भाई, वाई वन माइनस वाई टू सकते हाँ भाई ठीक है। फिर फोन आ गया, एक मिनट जी सर, गुड मॉर्निंग जी 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 आ रहे हैं, पॉज कीजिए चले देखिए 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 चलिए। अब क्या है एक्स टू का मान कितना भाई साहब, एक्स टू जीरो माइनस एक्स वन का मान एक कॉस थीटा, इसका वाई टू का मान ए साइन थीटा माइनस वाई वन का मान जीरो, इसका होल स्क्वायर। गौर से देखा जाए मेरे भाई इसको क्या कर रहा है, जीरो में से ए कॉस घटाएंगे तो माइनस ए कॉस थीटा होगा, कितना होगा माइनस ए कॉस थीटा का, और ई ए साइन थीटा में से जीरो घटाएंगे तो क्या रहेगा ए साइन थीटा ही बचेगा, इसका स्क्वायर। आइए स्क्वायर करते हैं, ए बी बराबर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, हल्ला नहीं करो ध्यान उधर। अब क्या है ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब तनिक सुन लीजिए ए बी बराबर दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, कोई दिक्कत, और इसमें से ए स्क्वायर निकल गया तो कॉस स्क्वायर बचेगा, इसमें से ए स्क्वायर निकल गया साइन स्क्वायर, तो त्रिकोणमिति कौन कौन नहीं पढ़ा है ये सब बताओ, एक घर मान क्या होगा ए स्क्वायर गुणा इसका मान ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है ए, लिख दीजिए ए इकाई
ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आए हो भाई लोग? इन्हें देखो भाई, अगला सवाल, वाई के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना और इतना के बीच की दूरी 10 है। तो देखिए क्या कर दिया है, एगो मान को लुल कर दिया है, क्या कर दिया है, लुल कर दिया है, हाँ एगो बीच की दूरी दे दिया, तो बस पूछो नहीं। आइए देखिए, लिखिए हल, लिखिए भाई, फिर मारिए वही, ये पी है यार, ये पी का रेशान कितना है 2, -3, क्यू का रेशान कितना है 10, y, टेंशन रहने का, और इसके बीच की दूरी जो दिया है वो कितना दिया है 10 इकाई, कोई दिक्कत? तो लिखेंगे पहले दिया है, क्या है एक्स वन का मान 2, एक्स टू का मान 10, बकलुलवा ये एक्स वन, बार बार इसको लिखना पड़ेगा वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स y1 का मान और y2 का मान y, और जो बीच की दूरी है ये PQ की दूरी कितना दिया है 10 इकाई। आइए अब निकालते हैं PQ बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है, x रूट अंडर x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का y साहब, x2 का मान 10 माइनस x1 का मान का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान माइनस 3 प्लस 3, अब PQ का मान 10, कोई दिक्कत? ये क्या कीजिए, ये रूट जो है ना, रूट रूट तो नहीं स्क्वायर में चला गया, स्क्वायर हो गया, रूट गया तो स्क्वायर, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, आइए a प्लस b का रिजल्ट कर देते हैं इसको, ए y प्लस 3 जुटेगा रे y में 3 जोड़ दे 3 y लिख देते हैं नहीं सर, हां ये चर है, ये चर है, तो a प्लस b हो जाएगा, a स्क्वायर y के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 गुने a के मान y और गुने 3, आ जाओ भाई लोग यहां का चिन्ह दे दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 बराबर 8 का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 3 दुना 6, तो कुछ बुझाइल का बुझाइल, तो कुछ कुछ चाय बनाए, हाँ 100 को पहले भेज दीजिए, पहले वाई स्क्वायर 64 और 9 73 और प्लस में 6y, 100 प्लस में उन्हें जाकर के, अरे ऐसे नहीं करते, सुनो सुनो हम बताते हैं, बराबर के बाद 100 लिखो, अब एक बराबर के बाद 100 इधर आकर के माइनस में 100 हो जाएगा, एक वो स्टेप बता रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, नीचे जगह होना चाहिए, तो y स्क्वायर प्लस में 6y 73 माइनस 100 तो माइनस 27, गुना करके 27 घटाओ का चिन्ह है, घटा के लाना है 6, ये रहो ए तो सन्नी खड़ा हो जाए, गुना करके 27 लावे के घटा के लावे के 6, कौन कौन ऐसा अंक है जिसको गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा और घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 3 और ये वो 200 होना चाहिए, 3 को 3 से गुना कर देंगे का बताओ रे, मत कह देना विकास, तुम बताओ दो को एक बताओ, मन तुम बताओ प्लस 6 और माइनस 9 तो 9 6 तो 54 हो जाती हो, अरे छी 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 तुझे तो महका दिया रे, हैं तू बता बस 9 में से 3 गया 6, अभी तीनों बाहर रहेगा, व्यवस्था तो टंच लेकर रखना था तुमने, बाहर से निकल के व्यवस्था रखना एकदम पूरा टंच करके करेंगे आज, इस प्रकार का सवाल द्विघात समीकरण में कितना बना है, अरे कम से कम 20 सवाल बना है, शांति से कर रहा ठीक है, बिल्लू नहीं कर, 27 को क्या करेंगे, गुना करेंगे 9 और 3 को तो 27, 9 में से 3 गया 6, सॉरी 9 और 3 y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, बहुत बच्चा का प्रश्न क्या होगा कि सर यहाँ माइनस 9y प्लस 3y दे सकते हैं, सुनिए अगर माइनस 9y और प्लस 3y देते हैं तो माइनस 9 में से अगर प्लस 3 घटाएंगे तो माइनस 6 बचेगा, लाना है आपको प्लस 6, इसलिए प्लस 9 में से माइनस 3 घटा रहा है, ठीक है,
क्योंकि जैसी घटाने पर बात आया तो एगो प्लस एगो माइनस करना पड़ेगा, और जोड़ने पर बात आया या तो दोनों प्लस करेंगे या तो दोनों माइनस करेंगे। आइए कॉमन लेते हैं दोनों में से, ये दोनों में से कॉमन लेंगे y, क्या लेंगे y, तो y से y स्क्वायर में भाग देंगे तो y हो जाएगा, और y से 9y भाग देंगे हो जाएगा 9, माइनस 3 कॉमन लेंगे, 3 से माइनस से माइनस, 3 से 3 बचेगा y, माइनस से माइनस प्लस, और 3 में भाग के कोई दिक्कत। अब देखिए ये दोनों में कितना y प्लस 9 कॉमन आ रहा है, क्या रहा है कॉमन y प्लस 9, इसमें से आ गया क्या बचा y, माइनस y प्लस 9 आ गया क्या बचा -3 बराबर 0। अब देखिए गौर से, y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर -3, वो है y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3, प्लस 3 हो गया, तो यही हो गया y बराबर है वो 3 है वो माइनस 9, दोनों चीज रख सकते हो वहां पे y का जगह पे, ठीक है सर, खा रहेगा तुम लोग नहीं दिक्कत स्टार बना देगा सर, बात करके इधर खा रहा हूं उठ के बाहर बात कर ले पढ़ाई को तुम लोग। चलो यदि बिंदु 1.5 और 3.3 के बीच की दूरी 8 सेमी हो तो सिद्ध करें कि a बराबर क्या 3 प्लस माइनस 2√15 हो जाएगा, बस वही चीज है। आइए कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं, हल लिखिए, क्या लिखिए हल, सुनिए ध्यान से, अब हम लोग क्या लिखेंगे वही क्या पी क्यू या ये बी कुछ भी लिख दीजिए, ये आपका पी क्यू है ना, पी का निशान कितना मान लेंगे 1.5 और क्यू का निशान 3.3 मान लेंगे, ठीक है। इसके बीच की दूरी जो दिया है आपको वो कितना दिया है मेरे भाई 8 सेंटीमीटर, इस बार इकाई में नहीं है सेंटीमीटर में, ठीक है। कुछ नहीं लिखिए, दिया दिया है लिखिए क्या क्या मेरे भाई, एक्स वन का मान ए, एक्स टू का मान तीन, अभी ना समझ में आया, यहाँ एक्स वन वाई वन, यहाँ एक्स टू वाई टू, और आइए वाई वन का मान पांच, वाई टू का मान तीन, और ये पूरा पी क्यू के जो दूरी है वो कितना आठ, लगाइए पी क्यू के बीच की दूरी रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का एक्स टू, पहले पी क्यू का मान आठ, आठ दिया हुआ है सेंटीमीटर दीजिए, एक्स टू का मान तीन माइनस एक्स वन का मान एक प्लस वाई टू का मान तीन माइनस वाई वन का मान पांच, बस ई रूट को इधर ले जाएगा तो वर्ग हो जाएगा आठ का स्क्वायर, अभी तीन माइनस एक का तीन में से एक घटेगा हो नहीं घटेगा, ये उपाय है। तो ए माइनस बी मान लीजिए, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर मतलब तीन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, दो गुने ए के मान तीन और बी के मान ए, अब प्लस क्या आ जाएगा तीन में से पांच किया माइनस दो के स्क्वायर, ये रूट होने चल गया है स्क्वायर हो गया बराबर से, पहले इधर माइनस उधर जाके प्लस, इधर प्लस उधर जाके माइनस होता है, हाँ इधर गुना में उधर जाके भाग में, इधर भाग में उधर है गुना में, इधर स्क्वायर तो उधर रूट में होता है, ऐसा पढ़ते ना एक्स स्क्वायर बराबर नौ, तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा रूट, एक्स बराबर रूट में नौ हो जाएगा, तो वही रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर में हो जाएगा, है तो वही ये रूट होने दिया है आठ का स्क्वायर हो गया, आठ का स्क्वायर मेरे भाई चौसठ बराबर तीन का स्क्वायर नौ, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस द्वितीय छह ए माइनस द्वितीय छह प्लस माइनस दो का स्क्वायर प्लस चार, आइए भाई साहब ये चौसठ बराबर नौ चार तेरह, आई ए स्क्वायर माइनस छह ए चौसठ को ले आई, इसको आइए सजाते हैं, पहले ए स्क्वायर लिखेंगे माइनस छ ए प्लस तेरह प्लस के बराबर में जीरो, ए स्क्वायर माइनस छ ए कितना हो जाएगा चौसठ माइनस का 51 बराबर जीरो, माइनस छ ए है ना भाई वो तो गुना करने पर 17 तीय का बन है करता है लेकिन पर नहीं आएगा, इसको जाना पड़ेगा किस पे मूल पे द्विघात सूत्र से, ठीक है। तो ये द्विघात सूत्र द्विघात समीकरण आप लोग देखे होंगे, देखे ना देखे नहीं देखे तो भी सीखिए, ए बराबर हो जाएगा आपका ना पूछो तो ए,
ठीक है, क्या हो जाएगा एक और बी बराबर माइनस छ और सी बराबर माइनस इक्यावन। तो हमको निकालेंगे विवेचक, क्या निकालेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं डी, डी से सूचित करते हैं। डी बराबर होता है बी के मान मेरे भाई माइनस छ, इसका स्क्वायर माइनस चार गुना में ए, ए का मान ए, अस्सी का मान माइनस इक्यावन। आइए यहाँ पे करते हो जाएगा माइनस छ का स्क्वायर छत्तीस बराबर हो गया छत्तीस, आई माइनस और ई माइनस गुना करना ना, माइनस और ई माइनस प्लस इक्यावन चौका दो सौ चार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डी बराबर दो सौ पचास दो सौ चालीस दो सौ चालीस। अब आइए क्या निकालना है मूल, क्या निकालना है मूल, ये होता है मूल का फॉर्मूला कोई नहीं बोलेगा एक मिनट सौरभ मूल का फॉर्मूला बोलिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में दुए। वाह बैठो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में दुए। आइए माइनस का माइनस, बी का मान मेरे भाई माइनस छ, प्लस माइनस रूट अंडर, अच्छा डी के जगह पे बी स्क्वायर माइनस फोर एसी भी हो सकता है, डी के जगह पे डी का मान कितना है दो सौ चालीस, दो सौ चालीस बटा में दो गुने ए, ए का मान एक, ई आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस छ, प्लस माइनस दो सौ चालीस को तोड़िए, दो सौ चालीस को तोड़िएगा तो दो से एक सौ बीस, दो से सात, दो से तीस, दो से पंद्रह ले जाएगा, जो जोड़ा लग गया उसको बाहर, तो दो बार दो को जोड़ा लगा तो दो गुने दो बाहर हो जाएगा, दो गुने दो बाहर, दो गुने दो बाहर और पंद्रह जो हो जाएगा रूट के, और इसको तोड़िया तो तीन पांच ना है तो दो दुना चार रूट पंद्रह हुआ, इसका मतलब दो सौ चालीस का, तो दो सौ चालीस को निकालेंगे बाहर तो चार रूट बटा में दो कॉमन ले सकते सौ में से, देखिए थोड़ा ध्यान से दो कॉमन ले लेंगे तो दो से दो तिहाई प्लस माइनस दो से दो दुना रूट बटा में दो से दो अच्छा लग गया तो तीन प्लस माइनस दो रूट पंद्रह है कि नहीं है, तीन प्लस माइनस दो रूट, देखिए दो नंबर में नहीं पूछता सवाल, तीन नंबर में पूछता था पहले, हाँ दो हजार तेरह चौदह पंद्रह सोलह जो था अभी दो नंबर में पूछेगा, लेकिन इतना बड़ा सवाल दो नंबर में कम चांस है पूछने का, लेकिन देख लीजिएगा बढ़िया से। दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि माइनस दो कमा पांच जीरो कमा एक तथा दो कमा तीन समरेखी, समरेखी का मतलब क्या होता है एक रेखा पर, समरेखी का मतलब अच्छा एक रेखा पर हम मान लेते हैं तीन बिंदु है ए एगो है बी एगो है सी, तीन बिंदु है, इसको कैसे हम साबित करेंगे कि समरेखी है कैसे, तो सुनिए देखिए यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी दोनों को जोड़ करके यहां से यहां की दूरी के बराबर होगा, यानी इसका मतलब है कि ए बी में अगर बी सी जोड़ देंगे तो ए सी के बराबर होगा, तो हम की जानेंगे कि कौन ए है कौन बी है कौन सी है, इसमें कोनों दो को जोड़ करके तीसरा के बराबर होना चाहिए, तो आइए लगाते हैं सटासट फॉर्मूला और फटाफट करते हैं। संरेख मतलब समझ गए आप, लेकिन सवाल को सीधे रखना नहीं, सवाल को सीधे सब सवाल किया हुआ है कि नहीं है चैप्टर में भारतीय भवन से सब कराया हुआ है सवाल, सुनिए तो कह रहा है कि आपको तो समरेखी है तो मान लेते हैं ये एक रेखा पर समरेखी लेते हैं, तो ए वो ए हो गया ये वो बी हो गया और ये वो हमने मान लिया कि ये बी सी, ऐसे मान लिया कि इसको ए इसको बी इसको सी मान लेते हैं, इधर ना कि ए होगा ये बी होगा ये सी होगा, ये भी ए ये बी सी हो सकता है, ये सी ए ये बी हो सकता है, ये ए ये सी भी, हाँ ठीक है ये हो सकता है, ऐसा सुनिए तो कोई भी दो का योग तीसरा के बराबर होना चाहिए, ठीक है चलिए आइए ये ए का निशान कितना है माइनस दो कॉमा बी का निशान जीरो कॉमा एक सी का निशान दो कॉमा एक, तो सबके बीच दूरी निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं बीच की दूरी, आइए देख लेते हैं ए बी के बीच की दूरी, ए बी की ए बी की ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी निकालिए, ए बी बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए वही बात कोण
रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का वाई टू माइनस वाई वन का इसके लिए आइए इसके लिए एक्स अब आइए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ ध्यान दीजिए अब तो भाई एक्स वन एक्स टू लिखना जरूरी नहीं है नहीं लिख दे वो भी बात समझ आया ना आइए एक्स एक्स टू का मान क्या है आपका एक्स टू का मान जीरो या एक्स वन वाई वन या एक्स टू वाई टू एक्स टू का मान जीरो माइनस एक्स वन का मान माइनस माइनस प्लस टू अरे एगो माइनस इसका था एगो माइनस इसका था वाई टू का मान एक माइनस वाई वन का मान कोई दिक्कत स्क्वायर कर देंगे जीरो और दो तो क्या हो जाएगा दो का स्क्वायर एक में से पांच किया दो का स्क्वायर चार का स्क्वायर सोलह चार रहने दीजिए अदर इधर है दो रूट पांच इकाई लिख सकते अगला क्या करेंगे हम लोग बीसी के बीच किसी दूरी बीसी के बीच की दूरी निकालते हैं किसके बीसी इसको निकालते हैं आइए देखिए ध्यान से बीसी के लिए क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा बीसी के लिए एक्स वन वाई वन आई एक्स टू वाई टू आइए बीसी का बीच की दूरी का पूरा लगाते हैं वही एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का आइए बीसी बराबर निकालते हैं एक्स टू का मान दो माइनस एक्स वन का मान जीरो प्लस वाई टू का मान माइनस तीन माइनस वाई वन का मान वाई वन का मान कितना ए बीसी बराबर दो में से जीरो गया दो का स्क्वायर माइनस ई माइनस तीन माइनस एक माइनस चार का स्क्वायर दो का स्क्वायर कितना चार का स्क्वायर बीसी बराबर आपका कितना गया मेरे भाई रूट अंडर बीस यानी कि दो रूट पांच इकाई अब आइए ऐसी भाई सही बात था यही पर होता क्यों अब आइए किसका निकालते हैं एसी के बीच की दूरी एसी बराबर निकालते हैं रूट अंडर फॉर्मूला पहले देखिए एसी के लिए क्या करेंगे ए और सी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू आइए एक्स टू माइनस एक्स वन का प्लस क्या हो जाए फॉर्मूला क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन का आइए एक्स वन का एक्स टू का मान एक्स टू दू माइनस एक्स वन माइनस दू तो माइनस माइनस प्लस दू वाई टू का मान माइनस तीन माइनस वाई वन का मान पांच दू और दू चार का स्क्वायर माइनस तीन माइनस पांच माइनस सात का स्क्वायर चार चौका और तीटी हो गया अस्सी अस्सी का वर्गमूल करेंगे चार रूट पांच चार चौका सोलह पंच अस्सी तोड़ कर देंगे अस्सी को तोड़िएगा चार चौका सोलह रूट अस्सी सोलह रूट पांच चार चौका सोलह सोलह पंचे जो बाहर है उसका वर्ग करते हैं दो का स्क्वायर चार चार पंचे दो का स्क्वायर चार चार पंचे ठीक है आप सुनिए तो लिखे क्या आपका आना गया भाई ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी ए बी कितना है दो रूट पांच दिखाना था ना बी सी दो रूट पांच आ गया कुल चार रूट पांच तो ये एक रैखिक है लिखेंगे क्या लिखेगा आप लोग लिखिए क्या कि भाई क्या क्या बिंदु इतना 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 संरेखी है बिंदु इतना 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 नीचे लिखना पड़ेगा एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना से क्या हो समदूरस्थ क्या बोला है समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित हो सम दूरी मतलब समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित हो तो चलिए देख लेते हैं क्या है कुछ नहीं पहले लिखना है क्या आपको ध्यान से देखिए और लिखना है तो देखिए x अक्ष पर उस बिंदु को तो x अक्ष पर कोई बिंदु होगा ना भाई तो मान लेते हैं पहले मान लेते हैं माना कि p बिंदु
एक्स अक्ष पर स्थित है। अगर ए सर्किल है तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष का निर्देशांक एक्स कॉमा जीरो क्या होता है? तो भाई साहब एक बिंदु P हो गया जिसका निर्देशांक एक्स कॉमा जीरो। अब P बिंदु से समान दूरी पर कौन है? एक बिंदु मान लेते हैं A जिसका निर्देशांक 7.6। अब P बिंदु से समान दूरी पर एक मान लेते हैं B, क्या मान लेते हैं B, जिसका निर्देशांक कितना है? माइनस तीन कॉमा आ रहा है समझ में भाई लोग? देखिए ध्यान दीजिए, पी ए और पी बी दोनों बराबर ना है। सवाल के कहने का मतलब है कि जितना पी ए के बीच की दूरी उतना ही पी ए बराबर पी बी। पहले पी ए निकालते हैं तब पी बी दोनों को बराबर करते हैं। तो पी ए अच्छा डाटे दोनों करे एक के साथ रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सेम वही चीज इधर ही होता है, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। देखिए पी ए बराबर पी बी तो लिख दीजिए। अच्छा यही लिखा हुआ है, ये आपका पी ए बराबर ये पी बी, तो पी ए के लिए ये पी बी। अरे भाई क्या बोला है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो एक्स अक्ष पर पी बिंदु है, एक्स अक्ष पर ऐसा क्या होगा? एक्स कॉमा जीरो। तो कह रहा है कि दो को बिंदु है जो है 7.6 और माइनस 3.4 से सम दूरस्थ है, मतलब इससे समान दूरी पर है, इससे भी समान, मतलब इससे जितना दूरी पर पी बिंदु है ना उतना ही इससे दूरी पर है, समान दूरी पर है। तो जितना दूरी इसका उतना ही दूरी इसका, दोनों को बराबर कर देंगे। तो इसकी दूरी इसकी दूरी बराबर बराबर कर देंगे। आइए पी ए के लिए, पी ए के लिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एक्स टू का मान 7 एक्स वन का मान एक्स 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वाई टू वाई वन वाई टू 6 माइनस 0 वाई टू 6 माइनस 0। इतना तो समझ में आ गया होगा अभी तक है? जी सर बहुत बढ़िया, ठीक रहने दे, वो सब चलता है, अभी उम्र हो गया है यही सब तो उम्र है करने। चलिए अब वो ऊपर उम्र पे गए तो है। अब पीवी के लिए चलिए, पीवी के लिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, देखिए फॉर्मूला क्या, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू कितना है माइनस तीन, माइनस एक्स वन कितना है एक्स होल स्क्वायर, वाई टू का मान कितना है वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू का मान 4 माइनस जीरो, 4 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। आइए मेरे भाई 7 माइनस 7 में से, अरे पहले सुनिए ये रूट से पहले रूट को पहले बजा दीजिए खत्म, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, अरे तो सुनिए बात को, 7 में से एक्स न घटेगा तो क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू में दो गुने 7 गुने एक्स, और ये 6 में से जीरो गया, अरे तो रूट से रूट खत्म कर चुके हैं, रूट से रूट खत्म कर चुके हैं ना। आइए बराबर ये माइनस तीन और माइनस एक्स, सुनिए ये माइनस दोनों में अगर माइनस है तो ए प्लस बी का मान लगता है, किसका मान लगता है ए प्लस बी का, किसका अंधविश्वास तो सुनिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर तो माइनस तीन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी तो दो गुने माइनस तीन गुने माइनस एक्स, यो माइनस था यो माइनस, क्योंकि ये प्लस बी का मान लगता है जब दोनों माइनस होता है, चार में से जीरो किया चार का स्क्वायर, चार में से जीरो किया जगह नहीं है जगह, आइए तरह का कोशिश करते हैं कौन करने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस टू ए बी तो दो गुने ए के मान माइनस तीन और बी के मान माइनस सिक्स और प्लस चार का स्क्वायर। आइए 7 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, आई देखिए माइनस और माइनस प्लस 6 देखिए ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी रहेगा प्लस दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा तो 16 तो टुकुर टुकुर देखते हो क्या, सुनिए इसको लिखिए एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस का 14x आई 49 और 36 85 एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस में 6x लिखिए प्लस 9 और 16 प्लस में 25। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर दो प्लस की पहले मिल जाएगा माइनस का 14x प्लस 14 के बराबर के बाद 25 माइनस प्लस में इधर जाके माइनस 50 यहाँ का चिन्ह दीजिए मान चलिए माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20 आई माइनस 50 में से 25 गया माइनस 7 माइनस माइनस पर ले डूबा अब बचा कितना 20x बराबर 60 20x बराबर x बराबर 60 बटा 20 x बराबर हो गया आपका 3 बटा 2 कौन रहा है 20 3 60 तो लिखेगा है लिख लीजिए लिखेगा अतः बिंदु P क्या माना चाहिए x कोमा 0 तो x का निकाल कितना हो गया 3.0 होगा 3.0 बराबर हो गया था क्या बराबर किया तो नहीं एक क्या पूछा है एक्स पर अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें एक्स अक्ष पर कौन बिंदु था पी बिंदु था पी बिंदु का निशान निकाला था तो पी बिंदु का निशान एक्स को मैं जीरो तो एक्स का नंबर निकाला था ठीक है। आज से अगला सवाल क्या करा है कि वाई अक्ष पर बिंदु इतना इतना वही से मत समझो लेकिन वाई अक्ष पर है तो लिखिए हल लिखिए हल माना कि लिखिए माना कि ना कमेंट ही सवाल नहीं अगला सवाल आसान सवाल कमेंट में देना चाहिए बिंदु पी वाई अक्ष पर है वाई अक्ष पर है तो वाई अक्ष का निर्देशांक बताएंगे हम लोग जी सर क्या खोल के फेंक देंगे समझा जी हम ना बजाए सरल करो मोबाइल चलो क्या जाएगा 0.y ये हो तो भाई साहब P बिंदु यहाँ पर है जिसका निर्देशांक क्या है 0.y तू दिनों पहले क्लास से निकल जाओ नहीं होगा हम ना ये बिंदु A है A का निर्देशांक -4.3 क्या है 6.5 अब पी से ये बी की दूरी -4.3 कोई दिक्कत क्या बोला है सम दूरत्व मतलब समान दूरी पर ये पी से जो है ए जितना दूरी पर स्थित है उतना ही पी से बी उतना ही दूरी पर स्थित है हाँ समझे या ए से जो पी जितना दूरी पर है उतना ही बी से पी दूरी पर है समान दूरी पर सम दूरस्थ है। चलिए इसका मतलब पी ए बराबर पी बी पी ए के मान बना लेंगे वही एक्स टू माइनस एक्स वन का प्लस वाई टू माइनस वाई वन का बराबर रूट अंडर ध्यान सुनिए एक्स टू माइनस एक्स वन का प्लस वाई टू माइनस वाई वन का। चलिए भाई रूट अंडर एक्स टू किसके लिए पी ए के लिए पी ए के लिए एक्स टू कितना 6 माइनस एक्स वन एक्स वन जीरो इस बार प्लस वाई टू का मान 5 माइनस वाई वन का मान वाई इसका स्क्वायर बराबर रूट अंडर एक्स टू का मान माइनस 4 एक्स वन का मान 0 वाई टू का मान 3 माइनस वाई वन का मान वाई पहले रूट से रूट रूल कर दीजिए 6 में से 0 गया 6 में से 0 गया 6 के स्क्वायर प्लस 5 में से वाई घटेगा ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर माइनस 2 भी 2 गुने ए का मान 5 गुने बी का मान वाई बराबर माइनस 4 में से माइनस 0 घटे तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर ना तो 3 में से वाई घटेगा नहीं ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब और उसका क्या 2 ए बी तो 2 गुने 3 गुने वाई 2 ए बी 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर
माइनस दो पंचे माइनस चार का स्क्वायर तीन का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर और से देखिए 36-35 जुड़ेगा पहले तो वाई स्क्वायर ले लीजिए माइनस प्लस में माइनस दस वाई ना माइनस दस वाई प्लस में अच्छा एक मिनट ए माइनस बी था ए प्लस टू ए भी कैसे हो कैसे हो गया यहाँ ध्यान है तोड़ सके यही ना ध्यान है यहाँ ए माइनस बी है स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस कैसे हुआ सब बता बता तो गलती से लिख दिया तोड़ सके ध्यान कहाँ था हमारा तो ध्यान तू लोग भटका देता है कभी कभी तोड़ सके ध्यान कौन भटकाया मतलब हम सामने तो ध्यान हमको कहाँ जाना चाहिए चलो माइनस दस वाई माइनस छ वाई आ ई 36-25 61 बराबर ई वाई स्क्वायर माइनस में छ वाई आ 16-9 पहले वाई और वाई पहले चल जाएगा आपका है माइनस का 10y माइनस 6000 के बराबर है 25 प्लस से उधर आके तो ये कितना माइनस 10 में से प्लस 6 माइनस 4y माइनस 6 में से 25 गया ये 11 में से 5 गया 6 ये 5 5 में से 2 गया माइनस 36 माइनस माइनस तो y बराबर हो गया 36 बटा 4 यानी y बराबर हो गया 9 तो लिखेंगे अतः बिंदु P के निशान बिंदु P के निर्देशांक कितना माने थे हम लोग 0, y माने थे अब आ गया 0, 9 चलो अगला देखो अगला क्या है बिंदु x का y बिंदु इतना और इतना से समद्रस्त है मतलब बिंदु कोई बिंदु जो मान लेते हैं सुनिए हल लिखिए कोई बिंदु जो P है उसका निर्देशांक कितना x और y इस बिंदु से और इस बिंदु समान दूरी पर है ठीक है P से एगो बिंदु A हो गया P से एगो बिंदु क्या हो गया P से एगो बिंदु क्या हो गया B समान दूरी पर A का निर्देशांक 6-6 का B का निर्देशांक 2-3 तो समान दूरी पर तो वही रहेगा P बराबर PB कर लीजिएगा सवाल दो को समान बना है ये एक वो एक सवाल रहेगा होम बना ले इसका आंसर क्या कीजिए कमेंट कीजिए अगला क्या कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु है इतना 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 एक समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज क्या होता है इसका एक कोण 90 है यार कोण थोड़ी ना जो कोण 90 है पाइथागोरस पर में जिसके दो भुजा के वर्ग का योग एक किसी तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर होता है समकोण त्रिभुज कब होगा जब ये दो भुजा का वर्ग का योग तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर होगा तो निकाल लेते हैं आइए मान लेते हैं कि तीन को भुजा आप कैसे ये सुनो मान लेते हैं चलिए पहले लिखिए हल जरूरी नहीं कि समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं ठीक है ये पी है ये क्यू है ये आर है अब यहां भी पी हो सकता है यहां क्यू यहां आर हो सकता है बात समझिए बात को पहले बता रहे हैं 3-2 क्यू के जगह पे -2-3 आर के जगह पे 2-3 तो चलिए निकालते हैं सबके बीच की सबके पहले तुम सीधा बैठे करे खा के बैठे बाहर को पहले क्या निकालेंगे पी क्यू के बीच की दूरी फिर पी आर के बीच की दूरी फिर जब क्यू आर के तब पी आर के चलिए पी क्यू के बीच की निकालते हैं ध्यान दीजिए अब लिखेंगे दिया है उस समय फॉर्मूला क्या है x2-x1 का और स्क्वायर प्लस y2-y1 का और स्क्वायर नींद आ रहा है फिर जैसे सुराग पूरा विपिन के ए आए पी क्यू के लिए x1 y1 x2 y2 अरे बस बंद है अब यो लिखना पड़ेगा कि x1 y1 है x2 y2 है दो लिखना पड़ेगा अब आए लिखना पड़ेगा ये बोले नहीं
एक्स वन वाई वन एक्स टू एक्स टू का मान आई माइनस एक्स वन का मान स्क्वायर वाई टू का मान माइनस वाई वन का मान स्क्वायर कीजिए। अरे भाई माइनस तीन माइनस दो माइनस पांच के स्क्वायर ये हो माइनस तीन माइनस दो माइनस पांच के पचास पच्चीस पचास क्या हो जाएगा भाई रूट अंडर पच्चीस पचास का पांच रूट दू तो पांच का स्क्वायर पच्चीस दिमा। अब क्यू आर निकालेंगे क्या निकालेंगे क्यू आर निकालेंगे और उसके बाद तब पी आर निकालेंगे क्योंकि दो जो भुजा का जो दूरी होगा उसका वर्ग का योग तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए तब सब कुल त्रिभुज है। ठीक है चलिए आइए ध्यान दीजिए क्यू आर के लिए लिखते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का आइए एक्स इसके लिए क्यू आर के लिए एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स टू कितना है दो माइनस एक्स वन माइनस टू माइनस माइनस प्लस दो डायरेक्ट वाई टू तीन माइनस वाई वन माइनस तीन तो प्लस तीन हो गया दो का दो प्लस दो चार का स्क्वायर और तीन प्लस तीन नौ का स्क्वायर छ का स्क्वायर तो चार का स्क्वायर छ का स्क्वायर छत्तीस सोलह बावन का हो जाएगा तेरह चौका बावन दो रूट तेरह दो रूट तेरह चौका बावन होता है दो का स्क्वायर चार गुने तेरह ध्यान बात दो यहाँ पे छोटा कहेगा पी से आर में करेंगे क्या हो जाएगा पी आर का दूरी है पी आर का क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का प्लस वाई टू माइनस वाई वन का अभी फॉर्मूला चलती है एक्स वन माइनस एक्स टू की अच्छा एक्स वन माइनस एक्स वन अब देखिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू देखिए वाई टू ये हो गया एक्स टू हो गया माइनस एक्स वन दो माइनस तीन वाई टू माइनस वाई वन वाई टू ये हो गया वाई वन तीन माइनस दो कहा है दो में से तीन गया माइनस एक तीन में से दो गया एक का स्क्वायर एक प्लस एक कितना हो जाएगा रूट दो। अब चलिए तो दोनों में से सबसे बड़का बुझा कौन बुझा रहा है आपको यही बुझा रहा है ना ये बुझा रहा है ये दूर जो तेरा आया है आता जाएगा हाँ सुनिए 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 अरे रुको 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 गौर से देखिए ये पी क्यू और क्यू आर ना पी क्यू और पी आर देखिए पी क्यू का वर्ग पी क्यू का और प्लस पी आर का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा देखिए समकोण त्रिभुज होने का शर्त है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। लिख दीजिएगा आप लिखिएगा लिखने यहाँ पे समकोण त्रिभुज होने का शर्त है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग ठीक है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। किन्हीं दो भुजाओं क्या कौन दो भुजा ये पी क्यू और पी आर इसको भी हम चेंज कर गए ध्यान दीजिए क्या पी आर यहाँ पी हो गया आर यहाँ मान लो यहाँ क्यों लेना हो जाएगा या पी यहाँ चलाएगा आर यहाँ चलाएगा क्योंकि हमको जो है कर्ण कौन हो जाएगा क्यू आर क्यू यहाँ हो जाएगा तो क्यू आर कर्ण हो जाएगा कर्ण देख रही है देख रहे कर्ण दूर उड़ते रहो सबसे बड़का यही है पी आर कितना पी आर देखो यार सबसे छोटा यार अभी हम न माने हैं जब सर हम माने हैं ठीक है हम ही नहीं कहें कि यही पड़ी होगा यही पड़ी होगा पहले बोलो तो अभी त्रिभुज में पी आर कर्ण है हाँ। तो पी आर के वर्ग के बराबर जैसा लगा रहे हम कह रहे कोई भी दो भुजा के वर्ग तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर है तो पी क्यू देखिए पी क्यू आप प्लस में पी आर इसका वर्ग किसके वर्ग के बराबर होगा क्यू आर अरे भाई पचास प्लस दू
आई बराबर हो ना गया। देखिए यहाँ पे इसको चेंज करो, अब इसको चेंज कर दो आई से, ये क्यू ये आर ये पी, पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू प्लस पी आर दोनों को वर्ग, अब क्यू आर, अब देख पहले तो हम अजम्पशन लिखे थे ना भाई। अगला सवाल, क्या बिंदु है इतना 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 एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, त्रिभुज का निर्माण कब होगा, त्रिभुज में कोई भी छोटी दो भुजा का जो योग होगा वो तीसरी भुजा के बराबर या तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए, बराबर नहीं तीसरी भुजा से बड़ी, ठीक है तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए। मान लीजिए हम आपको लकड़ी दिए वो 5 मीटर का है, एक लकड़ी दिए वो 1 मीटर का है, एक लकड़ी दिए वो 2 मीटर का है, इससे तीनों लकड़ी से त्रिभुज बना लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि सुनिए ये दोनों से छोटका के जोड़ करके तीसरा के बराबर या बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा नहीं होता है, अगर अगर इसके बराबर हो जाएगा तो फिर इसी में सड़ जाएगा, इससे बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना, तन को बड़ा रहेगा तभी, अभी दोनों से दोनों को जोड़ देंगे तो तीनों पूरेगा, इसको इसको सकार कर देख लीजिए, नहीं पूरेगा, अब ये तो हम 5 मीटर का पा रहे थे, समझिए छोटे है नहीं पूरेगा, दोनों दू को जो छोटका रहेगा ना दोनों को जोड़ करके बड़का जो होगा उससे बड़ा होना चाहिए, तीसरा से बड़ा होना चाहिए, तो भाई तीनों भुजा कर निकालते हैं, तीनों त्रिभुज का निर्माण होने के लिए किन्हीं दो भुजाओं का जो योग है तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए। सुनिए पहले वो त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, ठीक ना, सीधे लिखे ना सीधे, अगर कैसे लिखेगा तो बात बराबर है, ए कारण से आंक 3 को मान दूं, बी कारण से आंक कितना है -2 -3, और सी कारण से आंक कितना है 2 -3, क्या त्रिभुज का निर्माण करते हैं कि नहीं, हाँ या ना करना है, त्रिभुज का निर्माण कब कर सकते हैं, जब दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो, त्रिभुज का निर्माण तब कर सकते हैं जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के तीसरी भुजा से बड़ी बड़ी, ठीक है तो निकाल लीजिए, पी ए बी निकाल लीजिए, और ए ए बी और ई सी और ई बी सी निकाल लीजिए, तीनों इनको भुजा निकाल लीजिए, निकाल लीजिएगा ए बी रूट अंडर एक्स टू हो रहा है, अभी तो टोपिया फेंका, अब तुमको फेंकेंगे, कहीं का सर देखो, ए बी ए बी के लिए X1 Y1 X2 Y2, चलिए चलिए एक्स धीरज का X1 -X2, चलिए X1 -X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 -Y2 का होल स्क्वायर, X1 या 3 -X2 -2, 3 -E X2 का मान -2 तो प्लस 2, Y1 2 -Y2 -3 हो, तो 3 2 आयो 2 3 5, अरे सवाल सिंपल रहा पिछले वाला से, कितना जाएगा 50 50 50 5, दोनों तो पिछले वाला का देखो था, 3 -2 यही सेम था, 3 -2 -3 और 2 -3 तो इसका एगो रूट 50 आया, एगो रूट 52 आया, एगो रूट 2 आया, सुनिए सुनिए क्या नहीं सर, अच्छा तुम सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा सर, बता आगे बैठा हुआ है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, ध्यान यहाँ दो, चलो
क्या बढ़िया सपने देखते नींद नहीं आता है रात को। दादाजी कुछ बोले क्या बोला ना चलेगी तो देखिए इसमें आए एक भुज आएगा आपको रूट पचास और एक आएगा रूट बावन एक आएगा रूट सर रूट बावन कहीं आ गया अरे भाई पीछे आया हुआ था रूट पचास रूट बावन रूट रूट टू निकाल देते हैं ये नहीं सुधरेगा ये जिस दिन सुधर गया उस दिन मजबूरा के छिलवा लिया चल रहा है देखो अरे सुनो बीसी वही एक्स वन एक्स टू है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। अब कहिएगा आप लोग सर इतना कहा चेंज कर दिए फॉर्मूला जल्दी कोई दिक्कत नहीं होगा सर लगा सकते हैं बीच को करिएगा ठीक है आई सब तन का बकलो से वही है ऐसी करता है क्लास में हाथ इनने गया है नहीं है सर्दी बोले सर आज से आस रहा है चश्मा बांध रहे हैं पढ़ लो एक्स वन कितना है माइनस टू ई माइनस एक्स टू कितना है प्लस वाई वन कितना है माइनस तीन माइनस वाई टू कितना है माइनस तीन तीन है माइनस हो जाएगा ये चार आई माइनस हो जाएगा चार चौका सोलह अच्छा छत्तीस कितना हो जाएगा बावन बावन ए सी निकालिए इसको हटाइए अरे मीटर एक्स वन माइनस एक्स टू का और स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का एक्स वन का मान इसके लिए इसके लिए इसी के लिए एक्स वन तीन माइनस एक्स टू दू प्लस वाई वन का मान दू वाई टू का मान तीन तीन में से दू गया एक तीन में से दू जाएगा पांच इसी तरह का है आगे वही करके आई ए कर रहा अधू में से तीन गया आठ चले इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा पांच इसका करेंगे तो तेरह ऐसे कीजिए ना भाई इसको और इसको जोड़ करके इसके क्या है बराबर में नहीं आएगा इसका वर्गमूल कर दीजिए इसको नहीं होने वाला है इसका वर्ग इसको जोड़ दीजिए इसको इसका इसका मान निकाल लीजिए इसका मान निकाल लीजिए रुकिए ना त्रिभुज नहीं होगा रूट पचास का मान निकाल लीजिए कैसे निकाल लीजिए इसका आता है पांच रूट दू इसका आता है दू रूट तेरह इसका रूट दू का मान कितना होता है एक दशमलव सात एक दशमलव चार एक चार पांच गुने एक दशमलव चार एक चार एक गुना कर लीजिएगा और इसका मान भी एक दशमलव चार एक चार ये ठीक है इसको गुना करके जोड़ लीजिएगा गुना कर लीजिएगा इसमें जोड़ लीजिएगा उसके बाद रूट तेरह का मान निकाल करके दू से रूट तेरह का जो मान आएगा ठीक है उसको रूट तेरह का मान निकालते हैं ठीक है ये हो जाएगा आपका कितना तीन 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 नौ चार तीन तीन छह आ जाएगा दो शून्य शून्य कितना दशमलव बैठा देंगे दशमलव छ पर कितना बढ़ाएंगे छ पर छता है छत्तीस आठ अच्छे छ सात अठे कितना छ अड़तालीस सात सात
49 दोनों हो 6 7 36 37 और 39 तो 3.6 इसका मान आए 3.6 × 2 2 × 3.6 = 7.2 आ इसको जो इसको गुना कर लीजिए अभी 5 × 20 5 × 5 = 7 अब 5 × 20 5 × 5 = 7.07 आई 7.07 और ये 070 इसको जो मतलब 8 हो जाएगा और ये 7.2 ये बनेगा त्रिभुज बनेगा क्योंकि दोनों को जोड़ने पर ये दोनों को जोड़ने पर और वर्ग करके नहीं जोड़े हैं मतलब बराबर वर्ग करके नहीं जोड़ना है नहीं सीधे जोड़ना है सीधे हम दशमलव में निकाले इसका मान ठीक है और ये दोनों 7.2 आ रहा है इसको जोड़ेंगे तो 7 × 8 कुछ आएगा ठीक है यानी दो भुजा को जोड़ करके ठीक है वो तीसरी भुजा कैसे बड़ी है यानी कि जो है कौन कौन ए बी और प्लस में कौन ए सी बड़ी है किससे बीसी से इसलिए त्रिभुज बन सकता है हाँ उस त्रिभुज के केंद्र का निशान निकाले जिसके बिंदु इतना है तो केंद्र का निशान का फल बताए थे आइए त्रिभुज ये हो गया ए बी सी ए का मान 3.5 बी का मान -7.4 आई सी का मान लिखेंगे सुनिए हल लिखेंगे दिया है क्या लिखेंगे दिया है ऐसा सवाल पूछता है x1 = ठीक है सुनिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 अच्छा हाल चाल तो ठीक रहेगा कार तीन हो गया x2 कितना हो गया -7 x3 हो गया 10 y1 हो गया 5 y2 हो गया y2 4 y3 आइए x केंद्र का का फ्री क्या देखिए तुम लोगों ने पूरा ये p मान लेते हैं x y ठीक है x = x1 + x2 + x3 = 3 x2 - 7 x3 + 10 पटा में 10 + 3 +13 में से -7 प्लस देखिए 3 × 10 = 13 -3 × 6 = 3 का मान 5 y2 का मान 4 y3 का मान -2 बटा में 3 5 × 4 = 9 में से 2 गया 7 × 3 केंद्र के निशान कितना हो जाएगा x y = 2.7/3 ठीक है तैयार हो 4 5 9 - 2 ठीक है अगला सवाल किसी त्रिभुज के दो शीर्ष दिए हुए और इसके केंद्र का निशान दिया हुआ तो तीसरा शीर्ष निकालिए देखिए बड़ा इजी है दो शीर्ष दिया हुआ आपको त्रिभुज का ए बी और सी है मान लेते हैं तो दो शीर्ष दिया हुआ आपका कितना 3.5 और ये -7.4 और इसका केंद्रक का निशान भी दिया हुआ है केंद्रक का निशान जो पी है वो भी दिया हुआ है कितना x y का जो मान है वो कितना है 2.1 मतलब केंद्रक का निशान दिया हुआ है तीसरा पूछ रहा है तीसरा मान लेते हैं कितना ए बी मान लेते हैं क्या मान लेते हैं ए बी क्या मान लेता है ए बी x1 y1 का मान ये हो गया x2 y2 के और x3 y3 तो लिखना है वो पहले बात लिखना है माना कि तीसरे शीर्ष का निशान तीसरे शीर्ष का निर्देशांक a, b लाइव होना है बराबर x1 + x2 + x3 / x दिया हुआ है आपको कितना है 2 बराबर x1 कितना है 3 लिखना तो लिख लीजिएगा दिया है x1 + x1 = x2 / x3 x2 कितना है
एक्स थ्री कितना है? ये वही तो निकालना क्रॉस मल्टीप्लाई याद है नहीं? पहले ये तीन दुना छ बराबर ई माइनस सात आ प्लस तीन आ प्लस ए माइनस चार इधर आके छ प्लस चार बराबर ए ए बराबर आइए वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटा वाई का मान याद कर लीजिए वाई वन पांच वाई टू चार प्लस वाई थ्री बी बी या बटा में तीन क्रॉस मल्टीप्लाई तीन का माइनस तीन पांच चार नौ प्लस में बी प्लस में धरन के माइनस प्लस माइनस तीन और ने प्लस में धरन के बराबर बी तो ये माइनस बारह बराबर बी बी बराबर माइनस बारह तो बी बराबर माइनस बारह देखिए आप तब तीसरे से इसके साइन कितना गया दस कोमा माइनस बारह ठीक है अगला देखिए अगला उस बिंदु का निशान ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को दो अनुपात तीन अनुपात में विभाजित करती है तो वही बात कौन है बता देना फॉर्मूला एक ले लीजिए आप यहाँ पे ए एक ले लीजिए बी ए का निशान माइनस दो कोमा दो अब बी का निशान माइनस तीन कोमा तीन सुनिए यहाँ जो बिंदु मान लेते हैं पी जो बिंदु जो बांट रहा है ये पी इसका निशान एक्स कोमा वाई और ये जो होता एम और ये जो होता एन एम का मान कितना दिया हुआ है दो एन का मान तीन तीन लिखिए लिखिए आज सब सिर्फ लिख दिया है एक्स वन का मान एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स वन का मान एक्स टू का मान वाई वन का मान दो वाई टू का मान एम का मान दो एन का मान तीन कोई दिक्कत नहीं अरे एम अनुपात एन है सर पांच बज गया टाइम देख लीजिए निकलने के लिए कहीं पांच बज गया चलो चलो फॉर्मूला एक समय में क्या होता है एम एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन चलिए एक्स बराबर एम एम का मान टू गुना एक्स टू का मान माइनस तीन प्लस एन का मान तीन गुना एक्स वन का मान माइनस टू बटा एम प्लस एन दो प्लस तीन तो एक्स बराबर द्वितीय माइनस छ तीन गुना माइनस छ बटा में माइनस बारह बटा पांच आई वाई का मान निकालिए वाई वन प्लस वाई टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस एन आप लोग कोई फॉर्मूला याद है कि नहीं भाई याद है ना वाई बराबर एम का मान दू वाई टू तीन प्लस एन एन का मान तीन तीन एन का मान तीन गुना y1 2 बटा में m प्लस n 2 प्लस 3 y बराबर द्वितीय 6 द्वितीय 6 बटा 5 यानी 12 बटा 5 तो देखिएगा कि जो जो किस अनुपात में करता है ना दो अनुपात तीन के अनुपात में तो कौन बिंदु को निकालना है उस बिंदु को निकालना है तो बिंदु कौन कौन आ गया x कॉमा जो y आया वो कितना है माइनस 12 बटा 5 और 12 बटा 5 ठीक है अब ऐसा सवाल आगे बढ़ा लीजिएगा पक्का तो बढ़ा लीजिएगा इसको होमवर्क बना लीजिए बना लीजिएगा ना हाँ कमेंट करिएगा इसको ठीक है क्या कीजिएगा मान लीजिएगा भाई दो को दिया हुआ है एक्स वन वाई वन और एम और एन का मान भी दिया हुआ आइए अगला सवाल हम कर देते हैं करा बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली यानी मिलाने वाली रेखा को बिंदु इतना इतना किस अनुपात यहाँ अनुपात गायब कर दिया यहाँ दूगो देखिए दूगो निर्देशांक दिया ये और जो बीच का जो एक्स वाई है वो दिया है लेकिन यहाँ अनुपात गोल कर दिया तो भाई देख ना भाई इधर देख ये आपका हो जाएगा ए ये आपका हो जाएगा बी ए का निर्देशांक धीरज माइनस तीन कॉमा दस बी का छ कॉमा आठ
इस बार पी का निशान दिया है, जो एक्स कॉमा है ना पी का, वो दिया है माइनस एक कॉमा छ। किस अनुपात में पते नहीं है, तो माना की हल लिखिए हल, और माना की क्या माना की एम अनुपात एन बराबर हम लोग क्या मानते हैं लेमडा अनुपात एक, यानी एम बराबर लेमडा और एन बराबर एक, ठीक है। तो सुन लीजिए ना, पचीस बजे पे क्या गा रहे हैं, बहुत जाने की जल्दी हो रही है, ज्यादा सवाल नहीं, दो चार दस बार बच्चा आर बन करा लेगा सर। चलो एक्स वन का मान माइनस तीन है, एक्स टू का मान है वाई वन का मान दस, एक्स टू का मान छ, वाई टू का मान आठ, कोई दिक्कत। आइए लगाते हैं फॉर्मूला, एक्स बराबर एम एक्स वन है एक्स टू प्लस एन एन एक्स वन बटा में एम प्लस, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आएगा, शायरी याद रखता है एक्स का मान, क्लास के बाद बताएंगे क्लास माइनस ए बराबर एम एम का मान लेमडा, आप जुने एक्स टू का मान छ छ, एन एन का मान ए, एक्स वन का मान माइनस तीन, एक्स वन का मान माइनस तीन, एक्स वन का मान माइनस तीन बटा एम प्लस एन का लेमडा प्लस एक, एम का मान लेमडा और एन का मान कह रहे हैं। अब देखिए क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, मान निकालना है, हाँ लेमडा का मान निकाल लेते हैं, एक क्यों से निकल जाएगा दूसरा हिस्सा भी निकल जाएगा, अगर एम एन माने तो बनाएंगे तो दोनों में रखना पड़ेगा, थोड़ा वो जटिल हो जाएगा, तो हम लोग को आसान से आसान बनाना है। तो तभी सुन लीजिए मेरा बात एक बार, लेमडा को छो से छो लेमडा, अरे वही एक्स बार बना तो वही बात है, आई माइनस का तीन बटा में लेमडा प्लस वन, और ई लेमडा प्लस वन से स्कूल रखे क्रॉस मल्टीप्लाई, ई छो से लेमडा में छो लेमडा, और एक से माइनस तीन में तो माइनस तीन, अब ई माइनस एक से लेमडा माइनस लेमडा, माइनस एक से माइनस एक माइनस एक, अब आइए माइनस लेमडा को उधर जाके तो प्लस लेमडा, उधर छह लेमडा था इधर माइनस लेमडा, उधर जाके प्लस लेमडा बराबर ई माइनस एक, आई माइनस इधर आके प्लस तीन, तो छह लेमडा एक लेमडा सात लेमडा बराबर में दो लेमडा बराबर दो बटा सात। अब आइए सुनिए हमने क्या माना था, अब लिखिए, अब एम अनुपात एन बराबर क्या माना था, लेमडा अनुपात एक, यानी कि ए एम बटा एन बराबर लेमडा बटा एक, लेमडा का मान कितना है दो बटा सात, बटा में एक यानी भाग में एक, तो गुणा बदलेंगे तो भी वही बात रहेगा, वो ए बटा सात हो जाएगा, तो दो अनुपात सात, एम अनुपात एन बराबर दो अनुपात दो बटा में एम बटा एन, तो दो अनुपात सात हो जाएगा, एम अनुपात एन बराबर। अगर सवाल करते हैं झट झट, बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु, सम त्रिभाजित, ये दो नंबर में तो कुछ भी नहीं करेगा 100% किसको रे कहा है नंदिनी जा नहीं। तो रे आज हाँ हाँ तुम जाना है, सुन सम त्रिभाजित वाला सवाल देखिए, ये मान लेते हैं ए, ई मान लेते हैं बी, ए भी एक रेखा है, ए भी एक रेखा है जिसको पी और क्यू सम त्रिभाजित करती है, पी और क्यू क्या करती है, तो लिखिए ना हल भाई, ए बी रेखा को बिंदु पी एवं क्यू सम त्रिभाजित करता है, समान त्रिभाजित है, सम त्रिभाजित करती है, ठीक है। अरे एक आने साथ कितना है भाई, चार कॉमा माइनस एक, बी का हिसाब कितना है माइनस टू कॉमा माइनस तीन, हर भरी बहुत है, बैठ जा करेगा, अब सुनिए सम त्रिभाजित समान भाग, तीन भागों में समान
तीन भागों में, तो जितना ई होगा उतना ही ई भी पी मान लेते हैं, ई एक ई भी एक और ई भी तू दू दू मान सकता, तू बीस बीस मान सकता, तुम्हारा मर्द कोई दिक्कत नहीं। अब सुन हम लोग चलेंगे पहले पहले हम लोग चलते हैं रेखाखंड किसमें, रेखाखंड ए पी बी में, रेखाखंड ए पी बी में, ए पी बी रेखाखंड कर लीजिए, ए पी बी ए आर पी आर और बी यहां सुन ई ए अब पी बी पूरे पी बी के बीच कितने, ए का निशान दिया हुआ कितना चार का वर्ग माइनस एक, बी का दिया हुआ है माइनस दो का माइनस तीन, तरे भाइयों कि पी का ना मान देता था क्या इसको हम भाई, अरे बिंदु पी का निशान एक्स और वाई का मान निकलेगा, अरे भाई एम बराबर एक हो गई और एन बराबर दो हो गई, एक्स वन वाई वन कमानी हो गई, एक्स टू वाई टू कमानी हो गई, एक्स बराबर निकाल लेबो, एक्स बराबर निकाल लेबो, अब उसी प्रकार चलेंगे किसमें, रेखाखंड ए क्यू बी में, रेखाखंड ए क्यू बी में आई बनाइए, ई हो गया ए डायरेक्ट आइए यहाँ पे क्यू में, तब भाई ये बी ए का निशान दे है चार कॉमा माइनस एक, बी का दे है माइनस माइनस तीन और क्यू को मान लेते हैं एस में, एक्स वाई यहाँ माना देखिए एस में मान लीजिए एक्स और वाई ठीक है, ई पूरा यहाँ ए से क्यू की दूरी, ए से क्यू की दूरी यहाँ से तो दू, एम बराबर दू हो गया और एन बराबर कितना, अरे निकल जाएगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू आई दू आई एक, अरे एक्स बराबर वही बन गया भाई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन वाई बराबर रहेगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा में एम प्लस एन, सेम यही फॉर्मूला इसमें रहे, इसको भी क्या करना है कमेंट क्वेश्चन नंबर लिख करके ले दीजिएगा। 16 नंबर का पी का निशान इतना और क्यू का, क्योंकि भाई ए और बी को पी और क्यू ही ना समद्विभाजित किया है, तो कह रहा है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निशान, जो सम त्रिभाजित किया है उस बिंदु का निशान कहिए, तो सम त्रिभाजित कौन किया है, तो पी किया है और क्यू किया है, इसी का निशान चाहिए भाई, तो पी का यहाँ से निशान कर जाएगा और क्यू का यहाँ से, ठीक है दो नंबर से देखा पूछेगा याद रखिएगा। आइए बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु आ रहे भाई, बहुत ही सवाल है मध्य बिंदु निकालना है, ये आपका ए इतना अनुपात है सवाल कहाँ करें दो कमा चार आई बी, अरे भाई छ कमा आठ है ए बी कितना है दो कमा चार, एक्स वन वाई वन आई एक्स टू वाई टू वाई टू लेकिन ये दिया है दिया मध्य बिंदु बीच में यहाँ मान लेते हैं पी एकदम बीच में एक्स कॉमा इसी का निकालना है, लेकिन लिखिएगा क्या एक्स वन बराबर छ एक्स टू बराबर टू वाई वन बराबर वाई टू बराबर चार, आइए मध्य बिंदु का निशान क्या होता है एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटा टू, एक्स वन कितना है छ प्लस एक्स टू दो बटा में एक्स बराबर कितना यानी चार, वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू बटा तो वाई बराबर वाई वन के मान आठ वाई टू के मान चार बटा में आठ चार बटा चलिए अतः मध्य बिंदु का निशान अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक शेष है इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए भाई साहब, देखिए समांतर चतुर्भुज बनाया जाए देखिए
ये क्या ए, ये क्या बी, ये क्या सी, ये क्या है, एकदम क्रम में दिया हुआ है। ए का निशान कितना हुआ है 6.1, बी का 8.2, सी का 9.4, डी का 3.3, एकदम इजी है मेरे भाई, काय को टेंशन लेता है। सुनो देखो कुछ नहीं करना है, अगर इस प्रकार का सवाल दे तो यहाँ तक सिर्फ एक गायब किया, पी और क्यू देता दोनों गायब कर देता, तब पूछता तो नहीं। देखो ना ध्यान से, दोनों का कटान बिंदु एक ना होता है, विकर्ण का, इसका विकर्ण ये, यहाँ से आके दूरी निकल लेगा, इसका विकर्ण ये। तो सुनो पहले पहले ए सी के मध्य बिंदु का निशान निकाल, ये ना होगा तो ए सी का मध्य बिंदु का निशान ये, और बीडीओ के मध्य बिंदु का निशान ये होगा। जो ए सी का मध्य बिंदु का निशान होगा वही बीडी के मध्य बिंदु का निशान होगा। लड़कियां से निकलिए तो ठीक है, तो मान लेते हैं ये पी है, क्या है पी x, y, ठीक है, शांति से ज्यादा हल्ला नहीं करना है, निकल अंधेरा हो रहा है। सुनो तो पहले क्या करेंगे, पहले एसी का निकाल लेते हैं, एसी से हमको x और y का मान निकल जाएगा ना, एसी का क्या निकालेंगे मध्य बिंदु का निशान, क्या निकालेंगे मध्य बिंदु, और तब जब बीडी का निकालेंगे मध्य बिंदु तो x का मान मालूम चल जाएगा, आराम से निकाल लेंगे पी निकल जाएगा। देखिए ना कैसे दिमाग ने काम किया, एसी के एसी का मध्य बिंदु के निर्देशांक। चलिए पहले लिखेंगे एक्स बराबर x1 + x2 / 2, हमको x का चाहिए y का नहीं चाहिए, क्योंकि x का निकालेंगे तो बराबर करेंगे x बराबर करेंगे, नहीं समझे, समझ गए, एक्स बराबर एक्स वन एसी के लिए x1 6 x2 6 + 9/2, यानी x बराबर हो गया 15/2। y का जोड़ देंगे, निकाल लेते हैं y बराबर y1 + y2/2, तो y बराबर y, अरे सवाल ही नहीं, 14 की 15-16 नंबर सवाल में है, ठीक है, भारतीय भवन y1 का मान a और y2 का मान 4, अब बता दे y बराबर 5/2, यहाँ एकड़ माना गया 15/2, एकड़ माना गया 5/2, अब किसके बीडी के मध्य बिंदु का, बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ने पूछ सकता है ये बार बार क्या लिख दो यहाँ पे, तो बीडी के लिए x बराबर क्या होता है x1 + x2 / 2, ये पी निकल जाएगा, x का मान क्या है, जो ac के लिए xy का मान था वही bd के लिए x का मान कितना पहले, अब आप लोगों को समझ में आया पचा कि ये कहा निकाले हैं, ऐसा नहीं सवाल मिलने का जरूर देखिएगा, ठीक है, और x1 का मान कितना है मेरे भाई 8, और x2 का मान पी बटा में 2, सॉल्व करेंगे तो पी का हमको, अगर अगर यही खाई रहता ना तीन की जगह पे तब यो माना थे, लेकिन नहीं खाने देगा पहले, अब देखो दोनों निकाल लेते हैं, कभी कभी यो खाली कर देगा, यहाँ भी खाली कर देगा। आइए 15 × 2 पहले पहले सुनो, पहले सुनो 15 × 2 = 30 बराबर 2 से 16 + 2 = 2 प्लस में 30 − 16 = 2 तो क्या हो जाएगा 14 = 2 तो P = 14/2 यानी P = 7 लिख दीजिएगा, तो P का मान कितना हो गया 7, यहाँ 7 आ जाएगा। अगर आपको E भी नहीं देता, 3 भी नहीं देता है, तो आप यहाँ क्या मान लीजिए क्यों मान करके आप वाई को निकालिएगा, कि कभी कभी ये को नहीं देता, कभी दोनों देता, आगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके लिए सहायक अतिरिक्त इतना इतना, आइए करते हैं देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल पर के, एगो पहले क्या बना लीजिए त्रिभुज, क्या बना लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ध्यान दीजिए कुछ नहीं, एगो कर देते हैं उसके बाद अगला त्रिभुज पर है, आप लोग कर लीजिए के पहले एगो कर लीजिए, ए का मान कितना है 2.3, बी का -1.0, सी का 2.-4, तो भाई x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिएगा दिया है x1 y1 x2, लिख लीजिएगा इसमें लिखना है, पूछेगा जरूर दो नंबर का क्वेश्चन, ठीक है,
हर लिख करके दिया आगे लिखिएगा ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्योंकि समान आ जाएगा उसमें भी एक दो मिनट ऐसी बहुत समय हो चुका है। एक बता टू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू कौन कंट्रोल कर रहा है एक बटा दू एक्स वन का मान दू इंटू वाई टू जीरो माइनस वाई थ्री माइनस चार वाई थ्री ना माइनस चार हो जाएगा प्लस चार माइनस वो था ऑलरेडी एक्स टू का मान एक्स टू का मान माइनस वन डाल के माइनस वन कर देते हैं वाई थ्री वाई थ्री माइनस चार ई माइनस वाई वन एक्स थ्री दू एक्स थ्री वाई वन तीन माइनस y2 0 कोई दिक्कत चलो करेंगे इसको एक बटा दो इंटू देखिए दो गुना जीरो प्लस चार तो चार आइए माइनस एक गुना में सात ठीक है कोई दिक्कत नहीं माइनस एक ऐसा करें इसको प्लस माइनस एक गुना माइनस में सात प्लस दो गुना तीन एक बटा दो जो माइनस एक का माइनस सात गुना करेंगे प्लस सात आई द्वितीय आई गड़बड़ न हुआ कहीं एक बटा दो गुना सात आठ पंद्रह छह इक्कीस इक्कीस बटा दो क्या जाएगा क्षेत्रफल है स्क्वायर में हो जाएगा वर्ग इकाई है दो कमा तीन माइनस एक कमा जीरो दो कमा माइनस चार ठीक है तरफ वाई थ्री माइनस वाई y2 माइनस जीरो माइनस चार प्लस चार दो चौका आठ एक माइनस एक गुना में y3 थ्री माइनस वाई वन माइनस चार माइनस तीन माइनस सात ये प्लस सात हो गया ठीक है x3 थ्री दो इंटू वाई वन माइनस वाई टू तीन माइनस जीरो ठीक एकदम सही ठीक है। सेम यही सवाल को आप लोगों पर जो कमेंट करना है क्या करना है बना रहे हम सेम वही चीज है ठीक है बन जाएगा अरविंद जी बना दियो बन जाएगा चलिए एक्स के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना संरेख है संरेख मतलब एक रैखिक यो अगर ऐसी कहेगा संरेख है तो हम क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल से बनाएंगे मान लीजिए त्रिभुज है क्या है त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इसी में होगा अगर इसी को कहीं से वो टांग तोड़ करके अल्लाह का सीधा कर दे इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जीरो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जीरो जब संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जीरो त्रिभुज पर तो देवे करेंगे ये ए बी सीधे ही नहीं लेकिन संरेख मतलब सीधा तो सीधा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो ये रेखा हो जाएगा रेखा हो जाएगा क्षेत्रफल जीरो से बराबर तो एक्स ए का मान देगा एक्स कॉमा दू बी का मान माइनस तीन कॉमा माइनस चार सी का मान सात कॉमा माइनस आगे सवाल ना हो नहीं है एक सवाल लास्ट में कर देते हैं जी चलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर जीरो बराबर जीरो क्योंकि संरेख होने के लिए ये जीरो होगा ही ठीक है हाँ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक बटा दो इंटू एक्स वन इंटू बराबर कोई दिक्कत
देखिए सवाल पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा, ठीक है? दो नंबर पूछेगा तो पूछेगा एकदम 100% सवाल। अरे सुनिए, एक बटा दो जाके गुना में भाग और बातें खत्म हो जाएगा। आइए एक्स वन का मान रखिए, एक्स वन या देखिए एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। आप लोगों को लिखना पड़ेगा दिया है, ठीक है? इतना अगर लिख देते हैं तो एग्जामिनर एकदम 100% नंबर देगा। चलिए एक्स वन का मान मेरे भाई, एक्स वन का मान एक्स इंटू वाई टू, वाई टू का मान माइनस चार, ई माइनस वाई थ्री, वाई थ्री का मान माइनस पांच, माइनस माइनस प्लस पांच, प्लस एक्स टू देखिए सुनिए, यहाँ तो एक्स के लिए दिया है, एक्स के लिए, लेकिन आपके जितना भी सवाल पूछेगा ना वो यहाँ पर के लिए देगा। किसके लिए देगा? के लिए। कोई दिन वाला तो बहुत समझे। एक्स टू का मान, एक्स टू का मान माइनस तीन, एक्स टू का मान माइनस तीन, वाई थ्री, वाई थ्री, वाई थ्री माइनस पांच, माइनस वाई वन, वाई वन, वाई वन दू, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री, एक्स थ्री सात, वाई वन, वाई वन, वाई वन दू, माइनस वाई टू माइनस चार, प्लस चार बराबर। देखिए तो नहीं ध्यान से, अगर ई देखिए दीजिए एक्स माइनस चार प्लस पांच कितना जाएगा? प्लस एक, प्लस माइनस तीन गुना में माइनस का आई सात गुना में चार दो बराबर जीरो, एक से कम एक्स आई माइनस माइनस प्लस इक्कीस सात छत बयालीस बराबर एक्स प्लस तिरेसठ बराबर एक्स बराबर क्या जाएगा? माइनस तिरेसठ क्षेत्रफल भी नहीं, एक्स का मान है एक्स के किस मान के लिए? एक्स का मान तिरेसठ जब रखेंगे यहाँ पर तिरेसठ तो उसके लिए सर रेखा उसके लिए जीरो आएगा। तो मैं अगर साबित करना चाहता है तो यहाँ तिरेसठ रख इस जगह पे, ठीक है? अब तो आपके मुझे क्षेत्रफल निकाल जीरो आता है कि नहीं आता? माइनस तिरेसठ, और वही माइनस तिरेसठ रख जीरो आता है, ठीक है? तो चलिए भाई लंबा क्लास गया आज का, लेकिन पूरा कंसेप्ट ये। बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों को। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो शेयर अभी ही कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अभी शेयर कर ही दीजिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, यानी त्रिभुज के वीवीआई सबजेक्ट के साथ। तब तक क्या करना है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।